दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो देखने में किसी ड्रैगन की तरह लगते हैं। यह सभी जानवर पृथ्वी पर लाखों साल पहले पाए जाने वाले ड्रैगन के पूर्वज हैं, जो आज केवल आकार में छोटे हैं पर ड्रैगन की ही तरह ताकतवर हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन ड्रैगन जैसे दिखने वाले जीवों के बारे में तो वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं हूँ आपका दोस्त दक्ष और आप देख रहे हैं अमेजिंग टॉप 5। जाइंट गिल्ड लैड लिजार्ड। यह छिपकली अफ्रीका में पाई जाती है, जो देखने में किसी पाइन कॉन की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके चार पैर हैं और यह धूप की रोशनी में दौड़ती हुई देखी जा सकती है। यह छिपकली ज्यादातर पथरीली दरारों में अपना घर बनाती है, जिसमें खतरा महसूस होते ही यह छिप जाती है। इस ड्रैगन छिपकली का शरीर इस रेतीली जगह का मौसम आसानी से झेल भी सकता है। दिन के समय यह 40 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी झेल लेती है और रात के समय जमा देने वाली ठंड भी। यह छिपकली वाइल्ड में रहने के अलावा इंसानों के साथ भी आसानी से रह सकती है और कई लोग इन छिपकलियों को पालना भी पसंद करते हैं। इन छिपकलियों का वैज्ञानिक नाम स्मॉग गाइगेंटियस है। यह छिपकली ड्रैगन की तरह जमीन के नीचे रहती है और इनका ताकतवर शरीर इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। कोमोडो ड्रैगन। जब बात ड्रैगन की हो और उसमें कोमोडो ड्रैगन का नाम शामिल ना हो तो वीडियो अधूरी लगती है। कोमोडो ड्रैगन दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी छिपकली है और इंसानों के लिए यह बहुत खतरनाक है। यह भले ही ड्रैगन की तरह मुंह से आग नहीं फेंकते पर फिर भी कई लोग सालाना कोमोडो ड्रैगन की वजह से मारे जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया के कई आइलैंड पर पाए जाते हैं और इंसान शुरुआती दौर से इनसे दूर रहते हैं, क्योंकि यह शिकार करते समय सबसे बड़े जीव को अपना निशाना बनाते हैं, जिनमें घोड़े, सुअर, गाय और इंसान भी शामिल है। इसके अलावा यह छिपकली जहरीली होती है और अगर यह किसी को काट ले तो उस जानवर के शरीर में इनका जहर दौड़ने लगता है और उस जानवर की मौत हो जाती है। कोमोडो ड्रैगन 3 मीटर लंबी और 70 किलोग्राम वजनी हो सकती है और साइंटिस्ट इनके बड़े साइज की वजह गाइगेंटिज्म बताते हैं, जिसमें दुनिया से अलग थलग रहने वाले जानवरों का साइज अक्सर सामान्य जीवों से बड़ा होता है। टुएटेरा। टुएटेरा एक ऐसी छिपकली है जो केवल न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यह साइज में छोटी होती है। इनके पैर मजबूत होते हैं, जिनकी परतों से ढकी हरी पूंछ भी होती है। लगभग 200 मिलियन साल पहले इस छिपकली के पूर्वज पृथ्वी पर रहा करते थे, लेकिन उसके बाद इनकी आबादी बहुत तेजी से कम होने लगी। साथ ही टुएटेरा देखने में छिपकली की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि यह हूबहू किसी ड्रैगन की तरह है, बस इसका आकार थोड़ा छोटा है और ड्रैगन की तरह इनकी पीठ और सिर पर सींग भी हैं। इसके अलावा टुएटेरा की एक तीसरी आंख भी होती है जो इनके सिर पर मौजूद होती है, लेकिन इस आंख का इस्तेमाल टुएटेरा कैसे करती है यह कोई नहीं जानता। टुएटेरा के बच्चे के शरीर में यह आंख केवल कुछ शुरुआती महीनों तक ही दिखती है और 6 महीनों बाद यह आंख पूरी तरह इनकी त्वचा में समा जाती है। कॉमन फ्लाई ड्रैगन। अगर आपको लगता है कि ड्रैगन नहीं होते तो आप जरा इस छोटे से जीव को देखिए। इस छिपकली का नाम फ्लाइंग लिजार्ड है, जो साउथ ईस्ट एशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाई जाती है। यह छोटी सी ड्रैगन छिपकली बोर्नियो और सुमात्रा आइलैंड में पाई जाती है। इसके अलावा यह मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और साउथ इंडिया में भी पाई जाती है। फ्लाइंग ड्रैगन ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताती है, जो सिर्फ 2 कारणों से जमीन पर उतरती है। पहला, यह अंडे देने के लिए जमीन पर उतरती है और दूसरा, जब यह छलांग मारते हुए जमीन पर गिर जाती है। उड़ने वाली यह सभी ड्रैगन छिपकलियाँ लगभग समान होती है। इनका शरीर पतला और चपटा होता है और इनकी पूंछ लंबी होती है। जब यह पेड़ से छलांग मारती है तब यह अपने आगे वाले पैर को खोल लेती है, जिससे यह किसी डाइविंग सूट की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा पाती है और यह ऐसे लगभग 60 मीटर की दूरी इसी तरह उड़कर पार कर लेती है। इन्हें आंखों से देख पाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि यह छोटी होती है और आसानी से आसपास के वातावरण में घुल भी जाती है।
रेड आइट क्रोकोडाइल सिंक। पापुआ न्यू गिनिया कई विचित्र जानवरों का घर है, इसीलिए यहाँ किसी ड्रैगन का होना कोई बड़ी बात नहीं है। द रेड आई क्रोकोडाइल सिंक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती है, लेकिन यह इंसानी बस्ती में भी आसानी से रह लेती है। यह आकर्षक छिपकली सच में किसी छोटे ड्रैगन की तरह लगती है, बस इसके पंख नहीं है और ना ही यह मुंह से आग छोड़ती है। यह अपना ज्यादातर समय पत्तियों के बीच बिताती है और पेड़ों पर भी चढ़ सकती है। गिरे हुए तने और पेड़ की टहनियाँ इन छिपकलियों की मन पसंदीदा जगह है, लेकिन यह छिपकली बहुत जल्दी डर जाती है और जब इन्हें लगता है कि यह बच नहीं पाएंगी, तब यह मरने की एक्टिंग भी करती हैं। सेल्फिन लिजार्ड। आपने मूवीज में देखा होगा कि एक ड्रैगन के बड़े पंख और लंबी पूंछ होती है, और सेल्फिन लिजार्ड भी किसी ड्रैगन की ही तरह है। प्रकृति ने इन्हें चमकदार और एक अनोखा रंग दिया है। इसी के साथ इनकी पूंछ, पीठ और गर्दन एक नर छिपकली पर जंग लगी चोटी की तरह है। यह छिपकली काफी लंबी होती है और यह आकार में 3 से 4 फीट बढ़ सकती है। यह छिपकली अक्सर घने जंगल और पानी के आसपास पाई जाती है, जिनकी त्वचा का रंग सूखी पत्तियों की तरह दिखाई देता है, जिससे यह आसानी से अपने आसपास के वातावरण में छिप जाती है। यह छिपकली शिकारी जीव होने के बावजूद आसानी से शिकारियों के हाथों पकड़ी भी जाती है, लेकिन यह हमेशा छिपकर रहती है। भले ही यह छिपकली देखने में किसी ड्रैगन की तरह है, पर यह काफी शांत है और किसी भी शिकारी जीव से दूर रहना पसंद करती है। यह छिपकली पानी में भी शिकारी जीवों का शिकार बन जाती है और कई बार मछुआरों द्वारा फेंके गए जालों में भी यह छिपकली फंस जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप 5 चैनल को।